गुरु नानक देव जी महाराज उस परम शक्ति नूं सच कहिंदे ने। वैसे ते जगत दे तमाम रहबरी पुरुषां ने उस परम अगम्मी शक्ति नूं सत्य करके आख्या है, सच करके आख्या है, हकीकत करके आख्या है। उसकी प्राप्ति किवें होवेगी? उसकी प्राप्ति का साधन की है? तो इन्हां दो श्लोकां विच जो 16वीं पौड़ी दे नाल संबंधित ने, मूल पंक्ति यह है, कहो नानक सच ध्याइए सुच होवे तां सच पाइए। सुच ताई हो सकती है जे सच दी प्राप्ति होवे। जे सच मिलिया ही नहीं तो फिर सुच है ही नहीं। सच दे नाल ही सुच आउंदी है, सच दे नाल ही पवित्रता आउंदी है। साच बिना कह सूचा होई, सच तो बिना किवें कोई सुचा हो सकता है। भाव जैसे सूर्य ते रोशनी प्रकाश कठे ही रहिंदे ने, सच ते सुच कठे ही रहिंदे ने। जिवें प्रकाश सूर्य दे चों उदय होंदा है, हू बहु सच तो ही सुच प्रगट होंदी है, सच तो ही पवित्रता प्रगट होंदी है। इस तो इलावा जिहड़े कर्म कीते जांदे ने उस दे नाल मनुख सुचा नहीं हो सकता। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे सामने एक कौतक एक वाकया होया। दरिया दे पत्तन ते एक ब्राह्मण अपनी गौ नूं लैके पार होना चाहता है, लेकिन पत्तन ते बैठा एक मीर मुंशी जो खत्री सी, उन्हें आख्या टैक्स देना पएगा, कर देना पएगा। ब्राह्मण दे कोलों कर वसूल कर लिया, गऊ दे कोलों कर वसूल कर लिया, गऊ ते भी बकायदा कर लाया जो ब्राह्मण नूं देना पिया। पार होके ब्राह्मण ने अपना भोजन बनाया, गऊ ने गोबर कीता, खत्री ओ गोबर चुक ले आया ते अपना चौका लिंब के उन्हूं पवित्र करन लगा। इस सब कौतक चूंकि गुरु नानक देव जी महाराज के सामने होया, इस वास्ते आप कहिंदे ने, गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरन न जाए। ब्राह्मण ते कर लाना है, गऊ ते तू कर लाना है, ते उदे गोबर दे नाल तू आखे सुच हो जाएगी, पवित्रता हो जाएगी, और मैं भव सागर तो पार हो जावांगा। साहिब कहिंदे ने, ए तेरा मिथ्या भरोसा है। इस भरोसे रहना अपना जीवन अकारत करना है। धोती टिक्का ते जप माली धान मलेच्छा खाई। इस मूर मुंशी दी होर रूप रेखा सतगुर इंज बयान करदे ने, धोती पहनी हुई है, मस्तक ते तिलक लाया होया है, हाथ दे च जप माली भी है, माला भी है छोटी, लेकिन मलेच्छा दा गुलाम है। रोजी उन्हां दे आसरे ते चलांदा है जिन्हां नूं मलेच्छ कहिंदा है, रोजी भी उन्हां कोल है इसदी, और उन्हां तों ही रिजक प्राप्त करदा है। अंतर पूजा परे कतेबा संजम तुरकां भाई। अंदर बैठ के छुप के ते पूजा पाठ करदा है, लेकिन बाहर आके इस्लामी कर्म करदा है, दिखाण वास्ते, ताकि हाकम खुश होवन, हुक्मरान प्रसन्न होवन। तुरकां वाला संजम रखता है, उन्हां दी मर्यादा की पालना करता है, कतेब इत्यादक पढ़ता है, लेकिन अंदर अंदर मूर्ति पूजन करता है। अंतर वास्तविक है वही कर्म करता है जो वैदिक रीति के मुताबिक होने चाहिए ने, लेकिन बाहर नहीं, बाहरों डरता है। एक दौर ऐसा लंघिया कि भारत डर गया सी। उन्हों पूजा पाठ करन लगे भी वो ख्याई हुई
और इतना भयभीत होया कि छुप के लुक के ये पूजा पाठ करदा सी, सामने नहीं करदा सी। तो अंदर ते पूजा पाठ करदा है, बाहर दूसरे धर्मां दी रूपरेखा ते चलदा है। महाराज कहंदे ये ते पखंड है, दिखांदा कुछ होर है, करदा तू कुछ होर है। अंदर तेरी भावना कुछ होर है, बाहर प्रगट तू कुछ होर करदा है। पखंड उसनू कहंदे ने कि करे कुछ मनुख ते होवे कुछ। इस वास्ते साहिब कहंदे ने छोड़ी लै पाखंडा, छोड़ इस पखंड नू, नाम लईए जाहे तरंदा। परमात्मा दा नाम जप ताही तर सकेगा, भव सागर तो ये गोबर तरन ना जाए। गोए दे आसरे ते गोबर नू लिपके ना तू पवित्र हो सकदा है, ते पवित्र होए बिना ना कोई तर सकदा है। ते पवित्र हुंदा है मनुख सच नाल, और सच करके ही मनुख भव सागर तो पार हुंदा है। अगा चल के जो जीवन रीति है, जिस ढंग नाल जीवन जीविया जा रहा सी, महाराज उसका भी जिक्र कर देन। महला पहला, मानस खाने करे निवाद, छुरी वगायन तिन गलता। दो वड्डे धर्म सन इस देश विच, हिंदू ते मुस्लिम। महाराज कहिंदे ने जिन्हां दे गल विच जनेऊ है उन्हां दा कम हो गया छुरी चलाना, भाव जबर करना, जुल्म करना, प्राया हक खाना। ते मानस खाने करे निवाज, जो नमाज पढ़ते ने इन्हां दा भी कर्म यही बन गया मनुखा नूं खाउणा, मनुख दी रत पीणी, बंदे दा लहू पीणा। भाव दोहां पासियां तो जबर है, जदके धार्मिक मनुख कतई जबर नहीं करदा। अगर धार्मिक मनुख भी जबर करे तो फिर जगत देच कुछ बचदा ही नहीं, जिदे च कुछ मनुख महक लै सके ते आनंद लै सके। धार्मिक मनुख ही ते मनुखी गुलिस्तान दी रौनक है। तो साहिब कहिंदे ने मानस खाने करे निवाज, छुरी वगायन तिन गलता। जिहड़े नमाज पढ़दे ने वह मनुखां दी रत पींदे ने, पर जिन्हां ने जनेऊ धारण कीता है वह भी छुरी मारन तो बाज नहीं आउंदे। तिन घर ब्राह्मण पूरे ना, ऐसे जो छुरी वगा के अपना स्वार्थ सिद्ध करदे ने उन्हां दे घर जाके ब्राह्मण संख पूरदा है, क्योंकि वह इन्हां दे जजमान ने, ते जजमान दे घर जाना नाद पूरना, संख पूरना, उन्हां नूं उपदेश देना ब्राह्मण दी रौ रीति। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद, उन्हां दे आवे ओही साध। जिहो जिहां दा स्वाद खत्रियां नूं लगे है कि छुरी वगायन तिन गलताग, इस तरह के पुरशां दा धान लेके आखिर ब्राह्मण नूं भी ओहो जिहां दा ही स्वाद आना है। आम साडे देश विच एक गल प्रचलित है कि जैसा अन्न तैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। मनुख दे बोल चाल दिते बहुत सारा पानी दा प्रभाव, मनुख दे मन दिते अन्न दा प्रभाव। ये आम साडे देश विच कहावत है। किस ढंग नाल रिजक आया, रोजी आई है, बस उसका मन दिते असर पैना बड़ा लाजमी है। रिजक आया जोर जबर नाल, रिजक आया अनर्थ भरे थां तो, रिजक आया वास्तविक जो मुर्दार है अपना हक ही नहीं, तो उस दे नाल मन की बनतर ते वैसे बनेगी, क्योंकि रिजक नाल रोजी नाल ही खून बनेगा, ते खून ही शरीर दे चलेगा, जीवन बनेगा, मानसिक शक्ति बनेगा। इस वास्ते आम कहावत प्रचलित हो गई, जैसा अन्न तैसा मन। अन्न शुद्ध नहीं तो मन का शुद्ध होना बड़ा औखा। साहिब कहिंदे ने छुरी वगा के जो अपना स्वार्थ साधदे ने उन्हां दे घर ब्राह्मण जाके संख पूरदा है, उन्हां तो धान लैंदा है, अपनी उपजीविका चलांदा है। इस वास्ते ब्राह्मण नूं भी उही रस आ जांदा है, उही स्वाद आउंदा है जिहड़ा छुरी जो है वगाण वालियां नूं आउंदा है। उन्हां दे आवे ओई सा।
कूड़ी रास कूड़ा व्यापार, कूड़ बोल करे आहार। महाराज कहने मैनू तो ऐसा दिखाई दे रहा है सारी मूड़ी ही कूड़ दी है, ये धर्म का सारा व्यापार ही कूड़ ते खड़ा है, जबकि धर्म सच है, परमात्मा सच है। तो जब इतना कूड़ है तो उन्हें धर्म कहना भी अन्याय है। इस वास्ते साहिब कहते ने कि सारी मूड़ी कूड़ दी है, सारा धंधा व्यापार कूड़ा है, और कूड़ बोल करे आहार, अपना रिजक चलांदा है, अपने आहार की पूर्ति करता है कूड़ बोल बोल के, झूठ बोल बोल के। रोजी मिल रही है अगर झूठ बोल के, तो इस रिजक ने अंतिशकरण विच झूठ नूं वधाना है। लफ्ज फिर दोहरा दईए, जैसा अन्न तैसा मन। अगर रोजी झूठ ते खड़ी है, कूड़ ते खड़ी है, धोखे ते खड़ी है, फरेब ते खड़ी है, तो उस रिजक करके मन की हालत वैसी ही बन जाएगी। तो साहब कहते ने कूड़ बोल करे आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहा भरपूर। पातशाह कहते ने धर्म ते शर्म इहदा ते डेरा, इहदा ते अस्थान मानो मनुखी जिंदगी तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। धर्म की कोई नेड़ता नहीं, शर्म की कोई नेड़ता नहीं, अगर नेड़ता है तो कूड़ दी, कूड़ दे आसरे ते अपना रिजक चल रहा है, रोजी चल रही है, कूड़ दे आसरे ते धार्मिक कर्म चल रहे ने, कूड़ दे आसरे ते सारा व्यवहार चल रहा है, सारी जिंदगी जो है चल रही है। इस वास्ते साहब कहते ने मैं तो इंज देखता पिया, नानक कूड़ रहा भरपूर। जीवन दे हर पक्ष विच झूठ भरपूर है, ते जीवन दे आखिर बुनियादी पक्ष ते यही ने, व्यवहारिक आर्थिक समाजिक ते राजनीतिक। साहिब कहिंदे जीवन दे हर पक्ष दे विच कूड़ भरपूर है, कूड़ व्यापक है, कूड़ दे आसरे ते रिजक चल रहा है, कूड़ दे आसरे ते धार्मिक कर्म खड़े ने, और कूड़ ते आसरे ते सता खड़ी है। मत्थे टिक्का तेड़ धोती कखाई, उंज धार्मिक चिन्ह सारे धारण किए ने, मत्थे ते तिलक है, तेड़ धोती पहनी हुई है, कखाई कखां दी माला गल दे जो है पहनी हुई है, पर हाथ छोरी ही जगत कसाई, हाथ दे ते छुरा है। और किसी बकरी का यह कसाई नहीं, बकरी नूं नहीं कोंदा, किसी गऊ का जबा करन वास्ते एक कसाई नहीं बनया, एक किसे मुर्गे नूं नहीं कटना चाहता, जगत कसाई है, जगत कसाई है, जगत नूं ही वढ़ना चाहता है, जगत नूं ही धोखा देना चाहता है, जगत का ही गल वढ़ना चाहता है, इन्ना वड्डा कसाई। झूठ का छुरा कोल है, कोई भी इसकी लपेट दे चावे, ये गर्दन कटन नूं तैयार है, भाव झूठ का व्यवहार यह सारिआं नाल करी जांदा है, और हाथ विच इसी झूठ की छुरी नाल हर एक नूं ज़बह करी जांदा है, हर एक नूं जो है कोई जांदा है। नील वस्त्र पहर होवे परवान, मलेच धान ले उजे पुराण।